दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप लोग देख रहे हो अपडेट योरसेल्फ की यूट्यूब चैनल। सो आज का मेरा इस वीडियो उन सभी दोस्त के लिए है, बहुत ही हेल्पफुल है जो बीटेक थर्ड सेम में है। ओके सो आपका थर्ड सेम है, कोर का 5 सब्जेक्ट है। ओके उसमें से 3 है कोर का स्पेशली, दैट इज सर्किट थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्ड इज EMFT। ओके सो मैं सारे सब्जेक्ट का कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, कौन सा बुक्स पढ़ना है एंड कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है एंड कौन सा बुक्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करना है, सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं सर्किट थ्योरी का। अगर बात करें सर्किट थ्योरी का, तो सर्किट थ्योरी के लिए आपको जो यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, दैट इज क्रिएट्रिक्स। आप लोग यूट्यूब में सिंपल जाकर क्रिएट्रिक्स लिख कर सर्च करेंगे, उसके बाद चैनल आ जाएगा क्रिएट्रिक्स का। ओके उसके बाद उसमें टैप करने के बाद आप लोग उसका जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहां पे जाइएगा, जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग एक प्लेलिस्ट वहां पे देख पाओगे, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस के नाम पे। ओके बाय अंकित सर आल्सो। सो आप लोग उस प्लेलिस्ट को ढूंढ के निकालना है पहले आप लोगों को, उसके बाद उस प्लेलिस्ट को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप लोग वहां पे देख सकते हो, वहां पे एक्चुअली पूरा का पूरा 73 वीडियोस है, अंकित सर ने पूरा कंप्लीट कर रखा है। ओके देखिए मैं एक वीडियो आप लोगों को प्ले करके भी दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका से स्मार्ट बोर्ड से सर ने किया है। उसके बाद दूसरा एक चैनल, दैट इज आप लोग गेट अकेडमी लिख के सर्च करो। ओके तो जब गेट अकेडमी लिख के सर्च करोगे तो गेट अकेडमी बाय अन अकेडमी ऐसा एक चैनल आएगा, इसका भी प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाओगे। जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा नेटवर्क एनालिसिस बोल के, और उस प्लेलिस्ट का होल्ड करेगा उमेश सर। ओके उमेश डांडेश। सो आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, वहां पे बहुत सारे वीडियोस हैं, 19 वीडियोस हैं। सो आप लोग को दिखा रहा हूँ उमेश सर की प्लेलिस्ट, बहुत ही अच्छा तरीके से सर ने 2 साल पहले ही पढ़ाया रखा है। ओके सो आप लोगों को अगर ये अच्छा नहीं लगता तो आप अंकित सर का फॉलो कर सकते हैं, मुझे लगता है अंकित सर का जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ही बेटर है। सो ये तो था सर्किट थ्योरी का कुछ यूट्यूब चैनल। ओके अब अगर बात करें स्टडी मटेरियल की, तो देखो आप लोग अंकित सर का जो ऑफिशियल कम्युनिटी है वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे PDFs DPPs आपको मिलेगा। इसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कैनोडिया का बुक है गेट का। ओके उसके बाद है बिट्स एंड बाइट्स, जो कैनोडिया एंड ऑल्सो बिट्स एंड बाइट्स, ये सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। ओके सो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए और चेक कीजिए और फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कीजिए। ओके सो ये था प्रैक्टिस। अब अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप सभी को कौन कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है इसके लिए मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे अंकित सर, लिखने के बाद अंकित सर का एक प्लेलिस्ट आएगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली सारे के सारे वीडियोस हैं, अंकित सर ने पूरा कंप्लीट कर रखा है। ओके सो एक वीडियो को प्ले भी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत ही यूजफुल कंटेंट से सर ने प्रोवाइड किया है। ओके और बहुत ही एफिशिएंट तरीका है सर के पढ़ाने का। ओके सो ये था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद भी अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो और भी एक चैनल, सिंपली यूट्यूब में जाओगे सर्च करोगे इंजीनियरिंग पाठशाला। ओके सो इंजीनियरिंग पाठशाला सर्च करने के बाद एक यूट्यूब चैनल आप लोगों के सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। ओपन के बाद सिंपली आप लोग इसका प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, और जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा एम्पलीफायर यहाँ पे लिखा है, वो एक प्लेलिस्ट है। सो आप लोग उस पर क्लिक कीजिए। ओके उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो कि सारे के सारे एम्पलीफायर से लेकर फीडबैक एम्पलीफायर से लेकर सब कुछ यहाँ पे है। ओके सर्किट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सभी है। ओके सो आप लोग फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ का जो प्रॉब्लम है, दैट इज सर ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ाया, सर ने फर्स्टली एम्पलीफायर से स्टार्ट कर दिया। ओके सो जो बच्चे पहला स्टार्ट कर रहे हैं उनको सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी चाहिए। ओके सो ये था यूट्यूब चैनल। अब अगर बात करें आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन कौन सा बुक्स प्रैक्टिस के लिए फॉलो करोगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ सारे PDF नोट्स, तो आप लोग उन नोट्स को फॉलो कीजिए। नोट्स को फॉलो करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस के लिए अगर बात करूँ तो प्रैक्टिस के लिए कनोडिया के बुक एंड ऑल्सो बिट्स एंड बाइट्स सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। ओके सो आप लोग जाकर चेक करो। एंड इसके बाद अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो गेट PYQ ऑल्सो है। ओके सो ये था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तीसरी सब्जेक्ट हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी EMFT। ओके EMFT के लिए सिंपली एक चैनल फॉलो करना, दैट इज आप लोग सिंपली YouTube में जाइए, सर्च कीजिएगा EMFT बाय विशाल सोनी। सो सर्च करने के बाद एक ऐसा प्लेलिस्ट आएगा विशाल सर का, क्रिएट्रिक्स चैनल का ही है। सो इस प्लेलिस्ट में एक्चुअली सारे के सारे वीडियोज हैं। ओके सर ने पूरा कंप्लीट कर रखा है पूरा EMFT बढ़िया तरीके से। ओके देखिए एक वीडियो में प्ले करके भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट है सर की। ओके और सर का 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। ओके सो आप लोग यहाँ के सारे वीडियोस
फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। जरूर यहाँ पे जाओ और अपना प्लेलिस्ट फ्रीली एक्सेस करोगे। सो दोस्तों ये था EMFT का यूट्यूब चैनल। अब अगर बात करें EMFT के लिए कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आप लोग को फॉलो करना है, सो देखिए आप लोग अगर रेफरेंस के लिए कुछ चैनल या फिर कुछ बुक्स वगैरह फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए मैं बताऊंगा। आप लोग NPTEL का जो लेक्चर है वाई शिवगंग शहर IIT बॉम्बे, सो आप लोग उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो उसका प्लेलिस्ट। और शिवगंग सर का एक बुक भी है, आप लोग चाहते हो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। ओके इसके बाद अगर आप लोग फिर भी रेफरेंस के लिए कोई चैनल चाहते हो सो दैट इज अनअकैडमी नेट का जो फिजिक्स पार्ट है आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो ये था रेफरेंस के लिए कोई यूट्यूब चैनल। अब अगर बात करें रेफरेंस के लिए बुक, सो दैट इज HU वर्मा का जो बुक है Volume 1 Volume 2 आप लोग वो फॉलो कर सकते हो, वहां पे बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ओके सो ये था रेफरेंस के लिए। अब अगर प्रैक्टिस के लिए बात करें तो प्रैक्टिस के लिए कैनोडिया ऑल्सो बेस्ट, उसके बाद विट्सन बाइट्स, उसके बाद गेट का PYQ है, और फिर भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो ऑल्सो नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी का टाइम बचता है तो वो JEE का क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करें। ओके सो अगर फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सो ये कोर का सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कोर का सब्जेक्ट नहीं है। सो आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे? सो देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आप लोगों को सिंपली एक ही चैनल फॉलो करना है, दैट इज आप लोग सिंपली यूट्यूब में जाइएगा और वहां पर सर्च कीजिएगा इंजीनियरिंग की पाठशाला। ओके तो सर्च करने के बाद जो चैनल आएगा वहां का प्लेलिस्ट का सेक्शन पे जाइए, जाने के बाद देखिए यहाँ पे इंजीनियर मैकेनिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा वीडियोज है, करीबन 60 से ऊपर वीडियोज है, आप लोग सभी वीडियो को चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारे के सारे मॉड्यूल्स हमने कर रखा है 3 साल पहले ही। ओके सो ये था इंजीनियर मैकेनिक्स के लिए। अब अगर बात करें इंजीनियर मैकेनिक्स के लिए कोई बुक, सो दैट आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए दो बुक फॉलो कर सकते हैं, एक बुक AK Tayal जो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। ओके और दूसरा जो बुक है दैट इज वियर एंड जॉनस्टन। सो ये जो बुक है वियर एंड जॉनस्टन ये इंजीनियर मैकेनिक्स के नाम पे नहीं आता है, इस बुक का जो नाम है दैट इज वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड ऑल्सो यहाँ पे लिखा रहता है कि स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ओके सो ये था बुक्स। और आप लोग अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सो आप लोग इस बुक का तो क्वेश्चन है ही, और अगर फिर भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर DTPs अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके अगर बात करें फिफ्थ सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स 3। ओके सो उनके लिए आप लोग को कौन कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, दैट इज मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स का जो न्यूमेरिकल मेथोड्स है आप लोग उसके लिए सिंपल यूट्यूब में जाइएगा, देखिएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय गजेंद्र पुरोहित। सो गजेंद्र पुरोहित सर का पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप लोग के पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो है, मैं आप लोग को मार्क करके दिखा रहा हूँ गजेंद्र पुरोहित सर का। सो ये जो प्लेलिस्ट है ना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल प्लेलिस्ट है। ओके सो आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल प्लेलिस्ट है। इसके बाद अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी का बात करोगे तो GP सर का रेफरेंस गजेंद्र पुरोहित सर का फॉलो कर सकते हैं, आप लोग जरूर इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से सर ने ये प्लेलिस्ट कर रखा है। ओके आज के लिए इस वीडियो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप सभी को बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर कोई भी कोई डाउट होगा तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, 24 घंटे आप लोगों के डाउट को सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। ओके और एक चीज जो चैनल पर आया है जेम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप लोगों को भी फायदा होगा इन फ्यूचर में, आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्टेंट इस चैनल पर दे रहा होगा। उसके बाद 4, 7, 6, 10 सभी सेम का कॉन्टेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। सो इस चैनल को कंटिन्यू फॉलो रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो ये था आज का वीडियो।